वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग हाउ आर यू ऑल हाउ आर यू ऑल एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दो हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सभी लोग कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई सो so, मेरे प्यारे भाइयों जैसा आप सभी को बताया है एच एल एचपीसी पंद्रह सौ से, से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाना है और इसमें से अगर मैं बात करना चाहूंगा स्पेशल क्लास में आपका डेली चल रहा हंड्रेड क्वेश्चन टेस्ट अगर मैं बात करना चाहूँ स्पेशल क्लास की स्पेशल क्लास में लगातार लगा 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 क्वेश्चन बैक बैक, बैक बैक। so, और यूट्यूब पे पांच सौ क्वेश्चन का सीरीज लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ और स्पेशल क्लास में आई थिंक मेरे को लगता है छह से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं छह क्वेश्चन हो चुके हैं प्रोक्स और यूट्यूब पे अगर मैं बात करना चाहूँ पिछले पांच लेक्चर में दिस इज द लेक्चर नंबर सिक्स तो आप पचास से मल्टीप्लाई के आसपास करते रहो ठीक तीन सौ के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये लेक्चर खत्म होता है तो तो मतलब आप देख रहे हो लगातार क्वेश्चन हुए पड़ा है लगातार चल रहा है ठीक है ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है आपका साहस है आपका पेशेंस है जो क्वेश्चन बार बार बने जा रहा है ठीक ना चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को सो एवरीवन दिस इज अलूक जॉब फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वॉन वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट एम पी एक्सी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन का बटन दबाओ हमारे साथ जुड़ जाओ चलो शुरुआत करते हैं यस आई एम एक्सपर्ट इन गेट एंड डी एम टेक फ्रॉम आई आटी फोर टाइम्स गेट टॉप हैविंग ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टेकन बाई इज द आर्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दट इज थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये हमारे डिजाइन इंजीनियरिंग के ऐसे तागड़ सब्जेक्ट हैं जैसे कह सकते हो आपके आई खड़कपुर में इस बार डिजाइन इंजीनियरिंग का ज्यादा हिस्सा रहेगा तो डिजाइन इंजीनियरिंग पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सो माय डियर फ्रेंड इफ यू वांट टू जॉइन यूर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप हमारे साथ यहाँ जुड़ना चाहते हो प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे प्लस या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे तो यू कैन यूज माई कोड दैट इज आलोक लाइव आलोक लाइव कोड लगा कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो प्लस पे आपको मैजिकल लाइव क्लासेस रैंक बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स ये सारी चीजें मिलती हैं इसके साथ साथ टोटल 76 टेस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं माय डियर फ्रेंड आइकॉनिक लोगों को पर्सनल कोच मिलेंगे स्टडी मटेरियल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको प्लस का पूरा फायदा मिलेगा स्टडी प्लानर बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक के बच्चे को मिलती है अगर आप आई की तैयारी कर रहे हो जैसे कल प्री का रिजल्ट आया कुछ बच्चों ने इतना अच्छा खुशखबरी दिया बड़ा अच्छा लगा मुझे भी ठीक है ना अभी मैं जल्दी ही उनका रिजल्ट अपलोड करने वाला हूँ ठीक है ना आप सभी को दिखाने वाला हूँ सीढ़ जो रिजल्ट है आप सभी के सामने अभी आएगा देखिएगा ठीक है ना सो माई डियर फ्रेंड बस कोशिश ये रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप किसी किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो और फिर हम आपके साथ मतलब जुड़ सकें बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख रहे हो आपका भरोसा जो है सिर्फ विश्वास एक चीज़ पे होना चाहिए दैट इज़ आलोक लाइफ पे ठीक है ना तो HAL, जैसे एग्जामिनेशन पे आपको जुड़ना है हमारे साथ कोड है बेटा आलोक लाइव याद रखिएगा बारह महीने अठारह महीने या महीने का कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं ठीक है ना इसके साथ साथ आइकॉनिक में भी बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने नो कॉस्ट ई एम आई देर इज अ नो कॉस्ट ई एम आई समझे सो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों ना अनकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर किया नहीं हो तो फॉलो कर सकते हैं अन डॉट कॉम क्लास एट द रेट आलोक लाइव पे एंड आ, मेरा पासवर्ड है आलोक लाइव स्पेशल क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशल क्लास में एक हजार क्वेश्चन करवाने का प्रोसेस चल रहा है जिसमें से छः सौ हो गया है चार सौ है बाकी है स्पेशल क्लासेस जो है आठ बजे रात से होती है एट पी एम से होती है मेरे प्यारे भाइयों ठीक ना तो कल भी आठ चालीस से हुआ था बिकॉज ये जो सेशन है ये थोड़ा सा डिले होता है तो स्पेशल क्लास को भी थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं ताकि इस क्लास और उस क्लास में बीच में कम से कम तीन घंटे का गैप रहे ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है टेस्ट आपको सारे, आप सारे लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लो सारे पेपर जाके डाउनलोड कर लो बेटा कल सुम अकेडमी कॉम्बेट होने वाला सुबह ग्यारह बजे फटाफट सभी लोग जुड़ जाना कल लग जाना वो इनवाइट कोड अकेडमिक कॉम्बेट का आलोक लाइवी होगा बारह महीने पे दो महीने का भी ऑफर चल रहा है बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लोग चौदह महीने का मिलेगा उसके साथ साथ तीन महीने का एस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा स्टेट ए ई जेई का क्योंकि आर बी एन का आया हुआ है ना वो हम आरबीएनएल यू पी आरबीएनएल के लिए तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन की सीरीज करो चौबीस महीने पे चार महीने का सब्सक्रिप्शन आपको ये टोटल अट्ठाईस महीने का आपको मिल रहा है छः महीने का एसएससी एस जेई का मिल रहा है इसके साथ ना कोड आलोक लाइव लगाना अगर कोई इनअप्रोप्रेट कंटेंट लगता है तो आप हमें बता सकते हैं एच एल एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है ना डेली मॉक टेस्ट होता है हमारे स्पेशल क्लासेस में चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन का आज थ्योरी ऑफ मशीन ही लिया हुआ है मैंने क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा था उसका नाम है गियर तो आज का टॉपिक है गियर आशा करता हूं सभी लोग सेशन लाइक कर दोगे क्योंकि ज्यादा लाइक ज्यादा बच्चे हैं लाइक कम है चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं गियर से गियर से कहानी शुरुआत करते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी फैक्टर फैक्टर इज़ टू टेक केयर ऑफ़ देखो गियर का मतलब गियर डिजाइन भी है और गियर भी है तो इसीलिए गियर का मतलब गियर डिजाइन और गियर जो टॉपिक है आप जो पढ़े हो थ्योरी ऑफ मशीन का गियर और मशीन डिजाइन का गियर ये टोटल गियर है ये ये टोटल गियर है मेरे प्यारे भाई तो वेलोसिटी फैक्टर इज यूज्ड टू टेक केयर ऑफ वेलोसिटी फैक्टर किसका मतलब क्या टेक केयर करता है देखो ध्यान से क्या टेक केयर करता है देखो वेलोसिटी फैक्टर जो होता है ना किसी भी गियर का वेलोसिटी फैक्टर वेलोसिटी फैक्टर का मान अलग है यानी ये बात हो रहा है बेटा सीवी की ये बात हो रही है सीवी की ये बात हो रही है गियर डिजाइन से तो वेलोसिटी फैक्टर जो है ना ये डिपेंड करता है फटीग फेलियर पे गियर का जो फटीक फेलियर होता है ना उस पर ये सब चीजें विलोसिटी फैक्टर यूज टू टेक केयर इसी का टेक केयर करता है फटीक फेलियर ना हो गियर में बार बार लगातार साइक्लिक लोडिंग होती रहती है कभी ऊपर कभी नीचे कभी मोशन ज्यादा चाहिए होता है कभी कम चाहिए होता है कॉन्स्टेंट रूप से पावर का ट्रांसमिशन चाहिए होता है तो ऊपर नीचे होते रहता है तो पॉसिबिलिटी अगर फटीक फेलियर की है तो उसकी टेक केयर करता है कौन वेलोसिटी फैक्टर ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फैक्टर्स होता है जैसे थ्री अपॉन थ्री प्लस वी आपने सुना होगा ठीक है ना डिफरेंट डिफरेंट उस पर डिफरेंट डिफरेंट विलोसिटी फैक्टर्स होती है डिफरेंट पे जैसे टेन मीटर पर सेकेंड से पिच लाइन अगर मीटर पर सेकेंड से कम है ठीक है ना गियर का एक पिच लाइन विलोसिटी होता है ओमेगा अगर इससे कम है तो लेस देन टेन मीटर अगर दस से बीस के बीच में है तो सिक्स अपॉन सिक्स प्लस बी ये सारी चीजें स्प्रिंग्रिवे वॉचेस एंड क्लॉक्स यूटिलाइज देखो जरा बताओ बेटा बताओ बेटा बताओ स्प्रिंग ड्रिवेन वॉचेस जो घड़ी स्प्रिंग से चलती है एंड क्लॉक्स ठीक ना सो माय डियर फ्रेंड यूटिलाइज करता है किसको कौन से गियर को लेता है जरा बताओ जरा सर गि गियर में अगर मैं घड़ी की बात करूं कौन सा गियर ट्रेन की बात होती है अगर घड़ी की बात होती तो मैं तुरंत लिख देता रिवर्टेड गियर ट्रेन तो मैं तुरंत लिख देता बट बात यहां क्या हो रही है बात हो रही है स्प्रिंग ड्रिवेन की तो साइक्लोडल गियर्स का यूज करते हैं ठीक ना उटेजेंट कहाता है अगर मैं आपको बताना चाहूंगा में दो टाइप की प्रोफाइल होती है बेटा थ्रू आउट द एंगेजमेंट सिंगल प्रेशर प्रेशर एंगल क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है क्यों ऐसा क्यों होता है उसका रीजन क्या है उसका रीजन है कि इस पे क्या होता है बेटा सिंगल कर्व ये क्या है बेटा दिस इज़ फॉर सिंगल कर्व कर्व एक होता है ये ऊपर से नीचे इसीलिए इनवोल्यूट ध्यान रखिएगा इसीलिए हमारा क्या होता है बेटा इनवोल्यूट होता है इसको ध्यान रखिएगा सिंगल कर्व होता है सिंगल कर्व इस पर गिर गए 22 नंबर ऑफ टीथ एंड 28 म्म पिच सर्किल डायामेटर व्हाट द सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच जो होता है ना बेटा इसके दो फॉर्मूले होते हैं एक फॉर्मूला होता है टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस जिसको हम विथ भी आगे चल के विथ कहते हैं मतलब विथ ऑफ द स्पेस ठीक ना थिकनेस या टूथ स्पेस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल सर्कुलर एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर पिच का पाई इंटू एम जिसको हम पाई डी टी कहते हैं अब देखो यहां, क्या दिया हुआ है? यहां पाई डी वाई टी से सॉल्व होने वाला है क्यों आपको 28 एम mm एम पिच सर्किल डाया दिया और दिया 22 नंबर ऑफ टीथ दिया ट्वेंटी एट अपॉइंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट अपन ट्वेंटी टू तो क्या आ जाएगा बेटा सर्कुलर पिच बताइए जरा कितना आ रहा फोर एम एम या फोर एम एम फोर एम एम इज द राइट आंसर हाँ ये बाईस बटे सात हो जाएगा ये बाईस से बाईस कटेगा सात से ये चार बार में कटेगा बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो इन केस ऑफ हेलिकल गियर द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल पिच ये क्वेश्चन कई बार बता चुका नॉर्मल पिच एंड पिच, विद एंडल अल्फा हेलिक्स एगल अल्फा है हमारा हेलिकल गियर में तो नॉर्मल पिच और एक्सीएल पिच में क्या रिलेशन होगा क्या होता है हमारा एक्सीएल पिच हमारा जो नॉर्मल पिच होता है वो एक्सीएल पिच का कॉज कम्पोनेंट होता है राइट आंसर right देखो कैसे आप कोई भी टीथ लेते हो जैसे आप हेलिकल गियर का एक टीथ आपको मान लो गियर ले लिया आपने और इस पे आप ऐसे ऐसे खींच लो ठीक है ना आपका लोड कैसे लगेगा गियर अगर ये इसकी एक्सिस है इस गियर की एक्सिस ये है जो लोड है वो किसी ना किसी एक एंगल पे लगेगा है ना लोड किसी ना किसी एंगल पे लगेगा ट एंगल इज अल्फा हेलिक्स एंगल हेलिक्स एंगल अल्फा पे लगेगा ठीक है सर अब सुनो मेरी बात अगर हेलिक्स एंगल अल्फा पे लग रहा है सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज वॉट दिस इज एक्सियल दिस इज एक्सियल पीसी क्या है एक्सियल है ना तो देखो एन बराबर क्या होगा पीएन बराबर क्या होगा पीसी कंपोनेंट या पीसी बराबर आप लिख सकते हो पीएन का कंपोनेंट आप कैसे भी गिरा सकते हो आपकी इच्छा है ठीक है ना वैसे तो यहां दो कंपोनेंट ऐसे टूटते हैं ठीक है ना तो सॉरी अल्फा ये नहीं अल्फा ये वाला एंगल दिखेगा उल्टा <laughs> लिख दिया मैंने ठीक है ना सो माय डियर फ्रेंड यहां से आप देख सकते हो pn cos अल्फा बराबर pc नहीं, नहीं 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 pc का कंपोनेंट ऊपर टूटेगा ना जी ये होगा हमारा एक्सियल ये होगा हमारा क्या रेडियल ठीक है ये हमारा जो है बेटा ये हेलिक्स एंगल अल्फा होगा बिल्कुल यहीं से हमारा टूटेगा पीसी बराबर जो हमारा एक्सएल पिच होगा इसका कंपोनेंट इस पे जाएगा तो पीसी का कॉस अल्फा टूटेगा बिल्कुल सही है पीएन बराबर पीसी का कॉस अल्फा टूटेगा सही है यहां से आ जाएगा सही है अगला वे ट्रेन वैल्यू फॉर द the T1 नंबर ऑफ टीथ ऑफ द driven टू the T2 द ड्राइवर ऑन द driven गियर What इज द ट्रेन वैल्यू डियर हम लोगों को एक चीज पता है कि गियर जब अपन करते हैं जब अपन गियर करते हैं यू कैन सी दिस हम लोगों को एक चीज पता है कि जब अपन गियर करते हैं तो गियर में गियर ट्रेन पड़ते हैं गियर ट्रेन में क्या होता है ट्रेन वैल्यू गियर में गियर ट्रेन वैल्यू जो होती है डियर वो ट्रेन वैल्यू क्या होती है ओमेगा ऑफ ड्रीवन टू ओमेगा ऑफ ड्राइवर ठीक है ना ड्रीवन टू द ड्राइवर अगर मान लो हमारा ऐसा कुछ है ठीक है ना ये हमारा वन है ये टू है ठीक है ना ड्रीवन टू द ड्राइवर मतलब ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन दो गियर है ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन तो उसका टीत का जस्ट उल्टा रिलेशन आता है टी वन बाई टी टू ठीक है ना टी दिस, टी वन बाई टी टू लास्ट क्वेश्चन में यार पीएन का कंपोनेंट टूटना चाहिए मेरे को भी यही लग रहा है गलत है ये पीएन कॉस अल्फा आर बराबर पी एन साइन अल्फा यही होता है तो ये होना चाहिए सी होना चाहिए मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए इसका कंपोनेंट इस पर टूटता उस पर जाता है पी सी पूछा ना, ए गलत है उसका ए उसका गलत है सी होगा इसका अगर इस पे गुड रहा है तो इसका अल्फा ये है। ए हो, ए है, सी होगा हां वेलोसिटी फैक्टर फॉर ऑर्डनरी कट गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी नाइन मीटर पर सी दिस मैंने अभी आपको एक चीज समझाया था पहले क्वेश्चन में अगर लेस देन टेन मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा थ्री अपॉन थ्री प्लस वी होता है अब देखो उसी का यूज हो गया वेलोसिटी फैक्टर गियर कट नाइन मीटर पर सेकेंड तो लाइन वेलोसिटी इज लेस देन लेस देन टेन मीटर पर सेकेंड सो द सीवी इज वॉट थ्री अपॉन थ्री प्लस वी थ्री अपॉन थ्री प्लस दिस इज वॉट दिस इज नाइन

टाइप ऑफ गियर यूज फॉर स्पीड रिडक्शन आपको पता है स्पीड रिडक्शन वाला एक ही गियर है अपने पास हाई स्पीड रिडक्शन वाला दैट इज वॉट दैट इज व गियर दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम है वॉम व्हील कंपेयर टू स्पर गियर द हेलिकल गियर स्पर गियर के कंपैरिजन करोगे तो हेलिकल गियर क्या है रन मोर स्मूथली मोर स्मूथली एज कंपेयर टू स्पर सो बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम है रोटेट करने में सो एज कंपेयर टू हेलिकल गियर हेलिकल गियर एज कंपेयर टू स्पर गियर हेलिकल इज मोर स्मूथ मोर स्मूथ ओके गाइस सेशन को लाइक like कर दो यार ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता अगर आपको सही लग रहा है सेशन को आप लाइक कर सकते हो स्टव टीथ आर प्रोवाइडेड फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टब स्टब सर मींस घिसना ओके मीन्स इफ आई से दिस इज आवर टीथ ओके हमको क्या करना है स्टबिंग करना है अपन ने जब स्टबिंग किया हमने क्या, क्या श्टबिंग किया स्टबिंग किया स्टबिंग करने से क्या होता है जरा देखो बताओ स्टबिंग करने से क्या करते हैं हम स्टब करते हैं तो क्या नंबर ऑफ टीथ बढ़ा देते हैं नो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने का अंडा ही अलग है हाई वेलोसिटी रेशियो नो 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 हाई पॉन लो नोज अरे बाबा बिल्कुल नहीं कॉम्पैक्ट कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है भाई काट पीट के छोटा कर देते होकेज द राइट आंसर फिलोस्टी फैक्टर फॉर ऑर्डनरी कट आ रहे यार सिक्स मीटर पर सेकेंड दस से कम है ना दस से बीस के बीच में होता तो कितना होता सिक्स अपॉन सिक्स प्लस में द्वार थ्री थ्री आई थिंक नाइन वन बाई थ्री दैट इज पॉइंट थ्री थ्री गेटिंग क्लियर ना या गेटिंग क्लियर गाइस सी दिस द ब्यूटीफुल क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला सीधे फॉर्मूला है देखो ध्यान से या वेरी गुड राज बहादुर ए इज द राइट आंसर कुछ नहीं करना इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ़ स्पाइरल गियर स्पाइरल गियर एफिशिएंसी कुछ नहीं करना सीधा ऊपर कॉस का जो भी होगा वो प्लस वन डिवाइड बाई कॉस का जो भी होगा वो भी प्लस वन पहले बात तो ये पकड़ने का है दूसरा सी दिस दिस इज दफिशियंसी नाउ थीटा प्लस फाइव थीटा प्लस माइनस ना यहां जो है हमारा एक वॉट स्पाइर गियर एफिशियइट आंसर और ट्वेंटी डिग्री प्रेशर एंगल मिनिमम नंबर ऑफ टीथ गई यू कैन सी दिस ठीक है so right देखो uh, फॉर स्टब सिस्टम फुल डेप्थ सिस्टम ओके अगेन फुल डेप्थ फुल डेप्थ सिस्टम ओके गए सीधे 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 अब अगर मैं इसमें ऐसे लिखना चाहूं लेटर सपोज फोर्टीन है ना हाफ डिग्री फोर्टीन है ना डिग्री साढ़े चौदह डिग्री फोल्डेप स्टब ट्वेंटी डिग्री फोल्डेप ट्वेंटी डिग्री स्टब ओके वी हैव अ फोर थिंग्स निकालने का टेक्निक क्या बताऊंगा अभी? आपको याद रखना है एक पिन कोड, बारह बत्तीस चौदह पिन कोड, बारह बत्तीस चौदह अठारह

ऐसे सिचुएशन में हम क्या ले लेंगे सेवेंटीन हाँ बिल्कुल ठीक है ना ऐसे सिचुएशन अपन हाँ एक सेकेंड ओह सॉरी यार कोड तो ऐसे ही रहेगा कोड ऐसे ही रखना पहले स्टब देन फुल डेप दो भाग में तोड़ रहा हूं फुल्थ में ज्यादा टीथ होता है सीधिस इन द केस ऑफ स्ट सिस्टम टीथ की संख्या क्या होती है कम होती है फुल डेप्थ में ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होता है ओके okay. स्टबिंग में हमारा क्या होता है कम टीथ होता है सर so, क्यों होता है कम टीथ यू कैन सी दिस स्टब टीथ प्रोवाइडेड फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीथ सी दिस सी दिस द लाइन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीथ ओके स्टब में कम टीथ होता है फुल डेप्थ में ज्यादा टीथ होता है नंबर ऑफ टीथ इंक्रीजेस स्टब में कम डेप्थ में ज्यादा ट्वेंटी डिग्री पे ओके नाउ अगर आपको फुल डेप्थ का देखो अगर आपको कहीं कुछ नहीं लिखा है अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है दैट मींस कि वो क्या पूछ रहा है वो फुल डेप्थ की बात कर रहा है अगर उसको पूछना होगा स्टब का तो स्टब लिखेगा अब देखो फुल डेप्थ अगर सिस्टम है तो हम लोग रैक एंड पिनियन का एक फॉर्मूला होता है वहां से हम लोग हेल्प ले लेते हैं वो फॉर्मूला होता है टू ए आर अपॉन साइन स्क्वायर फाइव तो एआर को वन कर देते ए आर इज एडेंडम ऑफ रैक इस फॉर्मूले से हम लोग हेल्प लेके लिखो इस फॉर्मूले से हम लोग हेल्प लेके काम कर लेते हैं दैट फुल डेप्थ चाहे वो बीस डिग्री हो चाहे वो साढ़े चौदह डिग्री हो चाहे वो पच्चीस डिग्री हो मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर एंगल ट्वेंटी फाइव डिग्री होता है ठीक है ना तो आप कुछ भी यहां रखोगे आंसर क्या आएगा आपका फुल डेप्थ का आएगा आप अभी बीस डिग्री यहां रखो आपको 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा दैट मींस 18 आंसर इसमें 17 दिया तो मजबूरी में आंसर तो 17 ही लगाओगे मजबूरी में तो 17 ही लगाओ आप 14 है ना हाफ रखो इसमें 14 है ना हाफ रखोगे आपको 32 आएगा आप रख के देख लो ठीक है ना सेम टू सेम आपका वही आंसर आएगा ओके okay. तो आपको 12, बत्तीस 14, 18 ऐसे ही याद रखना है कोड की तरह चलो हाँ जी करेक्ट रिलेशन अरे यार सर्कुलर पिच का करेक्ट रिलेशन कौन पूछता है ऐसा क्वेश्चन पीसी बराबर पाई इंटू एम फेस ऑफ टूथ इन स्पर गियर फेस क्या होता है अपर वाला फेस नीचे वाला फ्लैंक दिस इज टॉप लैंड द सर्फेस बिटवीन पिच सर्किल दिस इज पिच सर्किल एंड टॉपलैंड फेस सर्किल और टॉपलैंड के बीच का जो सर्फेस होता है दैट इज वॉट दैट इज फेस इनवॉल्यूड प्रोफाइल इज वाइडली यूज फॉर गियर टूथ बिकॉज बताइए इनवॉल्यूड प्रोफाइल इज वाइडली यूज क्यों होता है ज्यादा यूज इसका इसका क्यों करते हैं ज्यादा है है यूज प्रेशर एंगल रिमेन कांस्टेंट सर बहुत सही बात है तो हम यही लगाते हैं दूसरा देख लेते हैं फेस एंड फ्लैंक फॉर्म ए कंटिन्यूस कर्व अरे यार कॉमन एक सिंगल कर्व होता है कंटिन्यूस कर्व एक ही होता है ये भी सही है इनवॉल्यूट रैक हैज स्ट्रेट साइडेड टीथ रैक पे तो सीधा टीथ होता है बिल्कुल सही है ऑल ऑफ देव फैक्टर्स ठीक है ना ये सही है सब सही है सब सही है, सब सही है। जब नॉर्मल खींचते हैं वो किसके टेंट होता है ना आप इन वोल्यूट प्रोफाइल पर वो बेस सर्किल के ऊपर जाएगा देखो ना यार इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनाया किस पे जाता है सर एक फिक्स सर्किल पर बनाया जाता है अच्छा इस फिक्स सर्किल का नाम क्या है सर इसका नाम है बेस सर्किल क्या नाम है बेस सर्किल अब इस बेस सर्किल पे क्या करते हैं अपन सर टेंजेंट खींचते हैं क्या करते हैं अपन टेंजेंट खींचते हैं ठीक है और ये प्रोफाइल का क्रिएशन करते हैं तो माय डियर फ्रेंड टेंजेंट हम किस पे खींचते हैं सर बेस सर्किल पे और वहीं से जनरेशन होता है हमारा इनवॉल्यूट प्रोफाइल का द सर्फेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिस् सरफेस आप लोग आंसर करो बिलो द पिस्ट सरफेस आंसर करो बिलो द पिस् सरफेस आप लोगों को बताया था अभी देखो ध्यान से पिस् सरफेस के नीचे पिस् सरफेस के नीचे क्या होता है जी सर पिस सर्फेस के नीचे होता है फ्लैंक पिस सरफेस के ऊपर फेस क्या होगा फ्लैंक क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंड कास्ट गियर कास्ट गियर का कैरेक्टरिस्टिक देखो एक अलग सा क्वेश्चन है देखो ध्यान से सैंड कास्ट गियर ठीक है ना सैंड कास्ट गियर जो है बेटा जैसे मतलब कास्टिंग कर दो गियर का सैंड कास्ट गियर का मतलब क्या है कास्टिंग कर दो गियर का सैंड वैंड में तो वो बना लेते हैं एक पैटर्न वगैरह बना के उसके अंदर भर दिया कास्टिंग कर दिया गियर टीद बन गया खत्म कहा तो क्या होता है चीपर लो क्वालिटी गियर इन स्मॉल नंबर ठीक है ना अब किसी चीज की तुम कास्टिंग कर रहे हो तो भाई तुम एक बार में एक ही बना पाओगे ठीक है ना नंबर ऑफ एक साथ कटिंग नहीं कर पाओगे एक बार में एक ही बना पाओगे तो सस्ता भी होगा लो का लो क्वालिटी गियर होगा क्यों क्योंकि उसकी फिनिशिंग वगैरह उतनी परफेक्ट नहीं होगी अंदर उसके अंदर कास्टिंग डिफेक्ट होगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे सही है द टूलिंग कॉस्ट आर ये तो घर में बैठ के आराम से पैटर्न बनाओ भर दो उसमें ठीक ना जितना सोना चांदी हो उसको पिघलाओ और डाल दो गियर बन गया ठीक है ना पुअर सरफेस फिनिशिंग जाहिर सी बात है यार कास्टिंग कर रहे हो तो पुअर सरफेस फिनिशिंग होगा And dimensional accuracies. Due to low precision and high backlash, they are आरजली हाँ बनाते समय तुमने ध्यान नहीं दिया या मान लो तुमने अगर सेंड में उतने तरीके से किया उसमें उतने तरीके से बनाया pattern तुमने वैसा तो प्रिसीजन का ध्यान नहीं हुआ मतलब थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना गैप अगर सही से नहीं ना, तो बैकलेस के बहुत सारे चांसेस होंगे हाई बैकलेस मतलब जैमिंग कंडीशन ज्यादा होगा दे आर सुटेड फॉर नॉन क्रिटिकल अप्लीकेशन सही है सब सही है सब सही है ये देखो अभी अभी समझाया था इसका आंसर दो अभी अभी समझाया था इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए क्या आया अभी अभी तो समझाया था कहा गया कुछ पे, कुछ क्वेश्चंस पहले अपॉन साइन होता है नंबर ऑफ टीथ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ विच कैन बी स्टैंडर्ड टूथ फॉर गिवन प्रेशर एंगल इज स्टैंड एपी साइकिल गियर ट्रेन का टॉर्क वाला क्वेश्चन है ना टॉर्क वाले क्वेश्चन में घबराने का नहीं टॉर्क एन एन बी टॉर्क सी एन सी प्लस तुम जितना चाहो उतना ठीक है ना तुम जितना चाहो उतना इन सबको क्या कर दो जीरो कर दो सबको सम करके खत्म कर इन सबको सम करके जीरो कर दो ठीक है ना बस जो दिया वो रखो तुम्हें जैसा डायरेक्शन चाहिए पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंटी एंटीक्लो नेगेटिव तुम्हारी इच्छा एंटी क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक को नेगेटिव तुम्हारी इच्छा तुम इसके अंदर रखो और जो, जो आंसर चाहिए वो निकालो खत्म कहने कभी भी टॉर्क का क्वेश्चन अगर आएगा एपी गियर ट्रेन में तो घबराने का नहीं फंडा यही है दट सेट इसमें बस वैल्यू ही तो रखना है ठीक है ना करो अगला क्वेश्चन करो इंटरफेरेंस इज साइक्लोइडल टीथ साइक्लोइडल टीथ में क्या होता है साइक्लोइडल टीथ में क्या इंटरफेरेंस होता है आपको क्या लगता है साइक्लोइडल टीथ में क्या इंटरफेरेंस होता है ज एबसेंट कंप्लीटली इज एबसेंट कंप्लीटली साइक्लोडल टीथ में इंटरफेरेंस होता है इज एबसेंट कंप्लीटली ठीक ना इनवॉल्यूट टीथ में इंटरफेरेंस होता है मैं यहां लिख देता हूं इनवॉल्यूट टीथ में इंटरफेरेंस होता है साइक्लोइडल टीथ में नो इंटरफेरेंस टीथ आर कट ऑन गियर देखो जरा यस एब्सेंट होता है स्टब टूथ आर कट ऑन गियर्स वे आर सब्जेक्ट टू शॉक एंड वाइब्रेशन जहां शॉक एंड वाइब्रेशन के चांसेस होंगे वहीं ये चीज देखने को मिलेगा देखो बेटा टोम अगर आपने पढ़ा है और फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं एकदम नए हैं तो इसका मतलब है अभी बहुत कमी है आपको पढ़ने में ठीक है ना अगर सही तरीके से और पढ़ना और दिमाग लगाओ और एक बार रिवाइज करो ठीक है ना सब पढ़ाया सब है पढ़ाया सब है हर चीज पढ़ाया है ठीक है ना एन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स कौन सा गियर होता है ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में कौन सा गियर होता है देखो यहां बच्चे गलती करते हैं नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे गलती करते हैं टू रिड्यूस डिस्टेंस डिस्टेंस रिड्यूस कहां लिखा है अरे 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 रे सेंटर डिस्टेंस को रिड्यूस करके तुम कर पाओगे सेंटर डिस्टेंस लोग बढ़ा के इंटरफेरेंस दूर करते हैं स्टबिंग हम क्यों करते हैं स्टबिंग करने का मतलब क्या होता है स्टबिंग करने का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस दूर करना सेंटर डिस्टेंस बढ़ाना ठीक है हम कटिंग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि गियर को चिपका देते हैं फिर से गियर को ऊपर से घिसे और फिर चिपका दिए अंदर सेंटर डिस्टेंस कम कर दिए कोई महान काम नहीं होगा सेंटर डिस्टेंस कम करने से सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने से इंटरफेरेंस दूर होता है ठीक है ना स्टबिंग करने से सेंटर डिस्टेंस हमारा वही रहता है कुछ नहीं होता उसमें चेंज ठीक है ना गियर अगर हमारा ऐसे है उसकी स्टबिंग करोगे तो गियर छोटा हो जाएगा न, रहेगा इसी हिसाब पे टीथ के बीच में गैपिंग थोड़ी बढ़ जाएगी क्लियरेंस बढ़ जाएगा वो अपना सेंटर डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा ऑटोमोबाइल में देखो ना कई सारे बच्चे गलती करेंगे हाँ बता जरा इसका आंसर चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स ठीक है देखो बेटा सेशन को ऑलवेज सोचा करो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो ठीक है ना क्योंकि ये सब लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन वगैरह आपके लिए डेली यस स्टबिंग मतलब डिक्रीज एडेंडम रेडियस दैट्स इट ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में कई सारे बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे एपी गियर ट्रेन लगा देते हैं बट दिस इज रॉन्ग बी इज राइट गियर बॉक्स में कंपाउंड गियर ट्रेन का ज्यादा यूज होता है मतलब एक साफ्ट है इस पे एक गियर दूसरा साफ्ट है इस पे दूसरा गियर फिर पता चले यहां है यहाँ एक और गियर बांध दिया और इसका इससे रिलेट करा दिया इन इसका यहां से पावर ट्रांसमिशन इसका यहां से हो रहा है ठीक है ना यह पता चले यहां से यह हटा दिया इसी को आगे पीछे करते रहिए मेन आगे पीछे करते रहे तो कंपाउंड गियर जो है ना बहुत सारे काम में आता है इसी में एक और दिया। ऐसा भी होता है ठीक है और इसका कनेक्शन थोड़ा आगे करा के इसके साथ इसको जोड़ दिया तो कंपाउंड गियर ट्रेन का जो होता है ना सबसे ज्यादा इंपॉस होता है गियर बॉक्स के अंदर आप जब भी गाड़ी का गियर बॉक्स खोलते हो ना तो सबसे ज्यादा आपको कंपाउंड गियर ट्रेन लगे हुए दिखेंगे ज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एक ही साठ पे कई बार है एक ही साठ पे कई सारे गियर्स ठीक है ना पांच बजने का मतलब नहीं है पचास क्वेश्चन होने का मतलब है पचास क्वेश्चन होने का मतलब है ध्यान रखना पांच बजने का कोई मतलब नहीं ठीक है ना दिलोस्टी रेशियो इन केस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो कंपाउंड गियर ट्रेंड में क्या सीखे हैं ड्रीवेंड टू द ड्राइवर प्रोडक्ट ऑफ ड्रीवन नंबर ऑफ टी टू द प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर नंबर ऑफ टी आपको याद होगा ओमेगा वन ओमेगा अपॉन ले लो मान लो गियर है तो क्या ले तो टी टू टी फोर टी सिक्स डिवाइड बाई टी वन टी थ्री टी फाइव ठीक है आना स्पेशल क्लास में आना बताएंगे फिगर लेकर आएंगे टेंशन ना लो फिगर लेकर आएंगे तुम दिखाएंगे क्या होता है क्लियर है ना देखो जरा ऑल ओवर टू द ड्राइवर यहां देखो क्या लिखा है नंबर ऑफ टीथ ऑन द लास्ट फर्स्ट रॉन्ग फर्स्ट लास्ट रॉन्ग ड्राइवर ड्रिवन रॉन्ग फॉलोवर ड्रिवन ड्राइवर राइट सही तरीके से देख लो सही तरीके से देख लो ड्रिवन नंबर ऑफ टीथ द ड्राइवर नंबर ऑफ टीथ यही था ना आपने ये देखा था ना याद होगा ना

समझ में आया ठीक है ना एक्सटर्नल बेबल गियर अगर लेस देन है तो इक्वल है तो मीटर ए चलो रिडक्शन रेशियो ऑफ ए वॉम गियर ड्राइव विथ सिक्सटी टीथ व्हील डबल स्टार्ट वॉम विथ ट्वेल्व थ्रेड बताओ जरा क्या आएगा देखो बेटा ये एक डिजाइन का चार्ट है ये डिजाइन का चार्ट है ठीक है ना डिजाइन का थोड़ा आप देख सकते हो यहां एक चार्ट आएगा आ, क्या है मैं आपको बता देता हूं डबल स्टार्ट यहां देखना ध्यान से एक डिजाइन का एक चार्ट है कि कितने स्टार्ट पे कितना होता है आपका वेलोसिटी रेशियो जो हमारा रिडक्शन रेशियो जो पूछा है सिंगल स्टार्ट का डबल स्टार्ट का इस पे डिपेंड नहीं करता टीत पे डिपेंड नहीं होता टीत कुछ लोग होंगे जो डिवाइड मार चुके होंगे अभी तक व्हाट इज पिच गियर पिच गियर कब पढ़ लिए भाई अच्छा पिच एंगल अच्छा इसकी बात कर रहे हो पिच एंगल बेवल गियर का तो बेवल गियर का जाके एक बार देखिए बेवल गियर में पिच जो टीथ होती है ना उसका पिच जे अगर मान लो बेबल के टीथ ऐसे है एक बार सभी लोग थम्स थम्स कर यार कमेंट बॉक्स में क्लियर एक बार करो चलो देखो पिच एंगल का मैंने बताया था कि अगर गियर का टीथ है जैसे बेबल गियर का टीथ हमारा ये है एक बार और बना के दिखा देता हूं बेवल गियर का टीथ हमारा ये है पिच सर्किल अगर हमारा ऐसे जा रहा है तो उस पर एक टेंजेंट खींचता है तो वहां से निकलता है एक एंगल दैट इज पिच एंगल ठीक है रिडक्शन रेशियो जो है ना बेटा थोड़ा तो ध्यान से देख लेना या सुनो रिडक्शन रेशियो जो है ना वो डिपेंड करता है स्टार्ट पे सिंगल स्टार्ट डबल स्टार्ट ठीक ना नंबर ऑफ स्टार्ट पे वो डिपेंड करता है कि रिडक्शन रेशियो बोले तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा ठीक है ये उस पर डिपेंड करता है ये मत कर देना कोई कि साठ बटे बार अगर अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो ये होगा तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है सरासर गलत है भाई वो मत करना ठीक है ना सरासर गलत है अब सुनो सिंगल स्टार्ट डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट क्वार्टर स्टार्ट ठीक है ना आपका डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है देखो वेलोसिटी रेशियो जो होता है ट्वेंटी मतलब आप कैसे कह सकते इसको मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री लिख यहां देखो ये होगा बारह से छत्तीस मान लो ट्रिपल लिखा एक और ले लो वाटर स्टार्ट ले लो सबका लिख देता हूं देख लो ध्यान से ठीक है ना आठ से बारह छह से दस तक के बीच में होता है क्वार्टर स्टार्ट का सो so, हमारा जो क्वेश्चन है वो किसमें है बेटा डबल स्टार्ट में तो डबल स्टार्ट का जो होगा हमारा क्या होगा बारह से छत्तीस के बीच में देख लो क्या होगा आंसर बी ना अगला देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वॉम एंड वॉम व्हील कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू देखो बेटा हम सभी लोग जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है टेन फाइव इज फिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फाइव इज फ्रिक्शन एंगल मैं लिख देता हूं दोनों कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फाइव इज फ्रिक्शन एंगल ओके एफिशिएंसी जो होती है ये होती है वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव तो एफिशिएंसी क्या होगी साइन बेटा यहां से फाइव निकालना जरा फाइव क्या होगा टेन इनवर्स म्यू बस वही रख दो क्या होगा आंसर बी इज द राइट आंसर देखिए क्या होगा डियर बी इज द राइट आंसर देखिए क्लियर है बी इज द राइट आंसर देखिए गाइस सेशन को लाइक करते रहोगे ठीक है ना सिंपल है म्यू बराबर टेन फाई होता है फाई को टेन इनवर्स म्यू कर दिया दैट्स इट कहा आ गया वही चीज ट इज द प्रीफर्ड ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस फॉर द फॉलोइंग ड्राइवर्स फ्रॉम हाई स्पीड टू लो स्पीड वाह प्रिफरेशन दिया है. मतलब प्रीफर करो अब बताओ कैसे होगा हाई स्पीड टू लो स्पीड का द प्रीफर ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस ये बहुत ही शानदार है ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बताएगा हाई स्पीड टू लो स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड डिरेक्शन कौन देता है सर सबसे ज्यादा स्पीड का हाई स्पीड से लो स्पीड में सबसे ज्यादा कन्वर्ट करने वाले डिवाइस है वॉम एंड वॉम व्हील बोलो हा या ना वॉम एंड वॉम व्हील तो सबसे पहले कौन होगा वॉम एंड वॉम व्हील देखो कहां लिखा है वॉम एंड वॉम व्हील वॉम एंड वॉम मतलब डी गया ए गया फिर उसके बाद ऑप्शन में स्पर गियर रैक एंड पिनियन है रैक एंड पिनियन एंड स्पर अब रैक एंड पिनियन एंड स्पर में किसकी स्पीड कम होगी सर रैक एंड पिनियन की स्पीड कम होती है स्पर की स्पीड ज्यादा होती है ठीक है ना रैक एंड पिनियन सही होगा देन स्पर होगा ठीक है ना आप गाड़ी में आपने अपना पकड़ा वो क्या कहते हैं गाड़ी में जो आप देखते हो आपका डेविस और अकर मैन स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म जिसमें आप स्टेयरिंग पकड़ते हो स्टेयरिंग जो आप रोटेट कराते तो ये रैक एंड पिनियन के ऊपर ही रोटेट होता है यू कैन सी दिस सी इज द राइट आंसर टू लो सी द राइट नॉट बी स्पर गियर बाद में आता है डिजाइन लोड फैक्टर यू कैन सी दिस डिजाइन लोड फैक्टर नंबर वन फॉर नंबर वन हेलिकल गियर इज स्मॉलर देन दैट फॉर ए स्ट्रेट टूथ स्पर गियर बिकॉज ऑफ बताइए डिजाइन लोड फैक्टर देखो क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है पेचीदा क्वेश्चन इसलिए बना दिया है ये देखो यहां क्या लिखा है डिजाइन लोड फैक्टर फॉर मतलब यहां स्पेस दे दिया कि बताओ अब क्या होगा फॉर दैट और समथिंग जो भी होगा ए हेलिकल गियर इज स्मॉलर देन दैट फॉर उसके आगे क्या होगा फिल इन द ब्लैंक ए स्ट्रेट टूथ इस पर गियर बिकॉज यहाँ वन एंड टू जो ये वर्ड है एंड रिलेटेड है यू कैन सी दिस देख लो ना अभी आप लोगों ने मतलब सुबह जो आप पढ़ रहे हो ना सुबह आप जो मशीन डिजाइन पढ़ रहे हो ना तो आगे दो दिन और पढ़ो क्योंकि मैं आपको फ्लक्चुएटिंग लोड वहीं पढ़ाने वाला हूं ठीक है ना फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन पढ़ाने वाला हूं फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन पढ़ाने वाला हूं अगले दो दिन और पढ़ो बहुत शानदार तरीके से ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा फिर सीरियसली ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा लोड कंसेंट्रेशन फैक्टर ये स्मॉलर इन इवन इन ड्राइवन इसको छोड़ो अभी इस क्वेश्चन को भी रहने दो इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर डी होगा आगे बताओ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ और फॉर हेलिकल गियर तुरंत समझ जाओ क्यूब जहां लिखा हो हेलिकल गियर का आंसर वही है टी अपॉन ये टी लिख रहा है किताबों में जेड से लिखा होगा कहीं कहीं आपको जेड अपॉन कहीं कहीं आपको जेड सेक क्यूब अल्फा तीनों फॉर्मेशन में कहीं कहीं ये तीनों फॉर्मेशन में आप देख लो ध्यान से कोई भी फॉर्मेशन दे सकता है टीत को जेड के नाम से शो कर देता है ठीक है ना इस क्वेश्चन के लिए टेंशन लो आप सुबह सुबह आप पढ़ना दो से तीन दिन अभी आपका एग्जाम है पहले क्योंकि अभी मैं आपको यहां बताऊंगा लोड कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में आप जानते नहीं है डायनामिक लोड फैक्टर ये दोनों फैक्टर के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा ठीक है ना क्यों इस पर गियर जब रोटेट करता है तो डायनामिक लोड फैक्टर आता है जब हेलिकल गियर रोटेट करता है तो वहां जो है वेरिएशन नहीं होता है तो इसलिए लोड कंसेंट्रेशन फैक्टर दिखाई देते है तो ये सब चीजें अभी आप बोलूंगा तो लेकिन समझ में आएगा नहीं क्योंकि क्या है इसका दोनों का मतलब समझना पड़ेगा पहले आपको ठीक है ना तो आप किसी भी फॉर्म में आप यहां आंसर कर सकते हो बस याद रखना हेलिकल गियर का है तो क्यूब के फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है यहां ठीक है ना क्वेश्चन नंबर डाल देंगे उससे क्या फायदा है बताओ मेरे को उससे क्या फायदा है? मतलब मेरे को ये बता दो बस कोई फायदा है तो मेरे को बता दो क्वेश्चन नंबर डालने से क्या फायदा है बेटा ठीक है बताओ

एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है ना देखो एक चीज ध्यान रखो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की संख्या आपको पचास ही मिल रही है डेली क्वेश्चन की संख्या पचास आ रही है पचास से एक कम नहीं आ रही होगी पचास से दो तीन ज्यादा ही आ रही होगी याद रखिएगा आप खुद काउंट कर लिया करो बैठ के आपको खुद ही पता चल जाएगा घर पे बैठ के ठीक ना कितने अच्छा आपको अगर ये देखना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए सर और कितने बाकी हैं ठीक है ना तो बेटा बस देते जाओ देते जाओ जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है ठीक है ना देखो क्वेश्चन देखो नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर देखो बेटा आ, आपको क्या करना है पावर को इक्वल कर दो पावर को इक्वल कर दो देखो समझाता हूं पाई होता है ना पावर क्या होता है? पाई बिल्कुल। थोड़ा समय यहां लेकर चलता हूं तो टू पाई एन ओफ पी टी एफ पी बायटी इजिकल टू टू पाई जी सिक्सटी पाई सही गया ये सही है गया बिल्कुल एनपी टीपी एन जी टी जी देखिए स्पीड दिया है आपको पता है व्हाट इज गियर रेशियो टेत ऑफ गियर टू दिनियन स्पीड ऑपिनियन टू द स्पीड ऑफ गियर आप यहां से दूसरे का स्पीड निकाल लोगे स्पीड यहां रखोगे एक का टॉर्क दिया हुआ है एक का स्पीड दिया है दूसरे का स्पीड निकाल के यहां रखो दूसरे का टॉर्क पता कर लो बताओ आंसर कितना आया सिक्सटी राइट आंसर सिक्सटी इज द राइट आंसर सही है ठीक है देखो कर लिया सभी ने किया कि नहीं यस और नो ठीक है ना या तो आप ऐसे भी तो कर सकते स्पीड का नहीं दिया है ना हाँ हाँ बैलेंस भी नहीं कर सकते ठीक चलो बैकलेस क्या होता है जी बैकलेस जहां जैमिंग कंडीशन से हम बच सके स्पेस टूथ स्पेस ज्यादा होना चाहिए टूथ थिकनेस कम होना चाहिए देखो बैकलेस के बारे में पहली चीज बता देता हूं बैकलेस क्या होता है टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस दैट इज वॉट दैट इज बैकलेस समय नहीं यार दाई विच द विस्पेस एक्सीड द थिकनेस ऑफ मेशिंग यही है एक सेकेंड डिफरेंस बिटवीन नहीं 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 डिफरेंस पे भी होता है ना नहीं नहीं ये नहीं होगा बी इज द राइट आंसर टूथ स्पेस कितना एक्सीड किया कितना एक्सीड किया टूथ स्पेड टूथ स्पेस एक्सीड कितना कर गया सरफेस इंडोरेंस लिमिट ऑफ गियर मटेरियल इज डिपेंड अपॉन सरफेस एंडोरेंस लिमिट ऑफ गियर मटेरियल इज डिपेंड अपॉन पहली बात तो एंडोरेंस लिमिट क्यों बोला क्योंकि गियर में होता है फ्लक्चुएटिंग लोड लगते रहता है थोड़ा बहुत क्यों गियर साफ्ट के ऊपर कनेक्ट होता है और साफ्ट में फ्लक्चुएशन बना रहता है ठीक है ना और सरफेस एंडोरेंस लिमिट ऑफ गियर मटेरियल गियर मटेरियल की बात किया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसके हार्डनेस पे डिपेंड करेगा ब्रीएचएन ब्रिनल हार्डनेस नंबर इस पे डिपेंड करेगा उसके हार्डनेस पे डिपेंड करेगा इंडोरेंस लिमिट की बात की इसलिए हार्डनेस लिखा है नहीं तो टफनेस आंसर मारता मैं बी एच एन इज द राइट देखो इसको आंसर करो टू टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग साफ टू अनदर ज एक्सेस नाइदर पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग ना ही पैरल है ना ही इंटरसेक्टिंग कर रही है दैट इज वॉट दट इज वॉम गियर ये क्या है डियर दिस इज वियर नाइदर पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग ना दट इज गियर क्लियर इन स्पाइरल वेबल गियर द एक्सेस क्या होता है स्पाइरल वर्ड का मतलब क्या है टीत कैसा होगा तीत आर कर्ड इनक्लाइंड एंड कर्ड मैं आप लोगों को ये लाइन लिखवा देता ये चीज मैंने थ्योरेटिकल क्लास में भी पढ़ाया है तीत इनक्लाइंड होगा एंड कर्ड होगा

क्या हुआ स्पाइरल भी तो होगा ना इधर पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग बेटा बेवल गियर की बात किया है थोड़ा ध्यान से देखना बेवल गियर जो होता है इंटरसेक्टिंग साफ्ट होता है हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्टिंग साफ्ट होता है एंगल पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग तो वैसे भी नहीं होगा आंसर सी होगा बेवल गियर है ना जी एक कहा हो जाएगा गियर लिखा है एंगुलर पावर ट्रांसमिशन होता है बेबल गियर में कट करता है टी तार कट करता है एक दूसरे को एंगल पे कट करते हैं तभी तो पैदा होता है बेबल गियर ऐसे ही तो होता है ठीक है, यू कैन सी दिस किसी एंगल में पावर ट्रांसमिट करता है थीटा का मतलब, का मतलब है टीथ क्या हो गया कर्ड हो गया। सही है। टीथ क्या हो गया? कर्ड हो गया गया, सही। ऑब्लिक मतलब इनक्लाइंड ना बेटा इससे रिलेट हो गया ना ऑब्लिक ऑब्लिक इनक्लाइंड पे ऑब्लिक ऑब्लिक प्लेन होता है ना भूल गए क्या सचिन तो ऑब्लिक प्लेन होता है ना बेटा भूल गए क्या ऑब्लिक कटिंग नहीं पड़े हो क्या प्रोडक्शन में ऑर्थोगोनल प्लेन ऑब्लिक प्लेन इनक्लाइंड वहीं से आया ना अगला क्वेश्चन देखो नंबर ऑफ टीथ ऑफ द व्हील रोटेटेड 300 आरपीएम 90 द नंबर ऑफ टीथ ऑन द मेटिंग पिनियन 1500 अरे यार अभी अभी गियर ऑफ गियर टू द ऑफ पिनियन स्पीड ऑफ गियर टू द स्पीड ऑफ देख लो बस लगाओ जुगाड़ लगाओ जुगाड़ ठीक है यहां से बताओ क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर छ करो भाई डिवाइड करो पंद्रह सौ बट तीन सौ हो जाएगा पांच और नाइन्टी बाई फाइव अट्ठारह राइट आंसर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एडेंडम देखो बेटा मैं आपको थोड़ा चीज समझा देता हूं एडेंडम एडेंडम डिडेंडम ऑलवेज मॉड्यूल होता है एडेंडम एक मॉड्यूल होता है डिडेंडम वन पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल होता है यू कैन सी दिस डिडेंडम इज ग्रेटर देन एडेंडम ओके सो एडेंडम इज ऑलवेज वन मॉड्यूल दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एडेंडम और आप लोगों को एक चीज पता होगा कि डिडेंडम में से एडेंडम को घटा देते हैं दैट इज नोन एज क्लियरेंस इन गियर द कॉन्टेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ कॉन्टेक्ट रेशियो किसका रेशियो होता है देखो कॉन्टैक्ट रेशियो सी आर ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है ये होता क्या है मैं आपको बता दूं अच्छा इस पर गियर में अगर बात करूं टू टू थ्री होता है होता क्या है आर्क ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कुलर पिच लिखा है क्या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कुलर पिच सेशन को लाइक like करते रहो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कुलर पिच देखो जो चीजें जैसे कोई टॉपिक आया उससे रिलेटेड जो चीजें हैं मैं खुद ही लिख देता हूं कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बन सकता है खुद ही मैं लिख रहा हूं ठीक है द मिनिमम रिकमेंडेड टॉप लैंड फॉर हार्ड नेट हियर इन टर्म ऑफ मॉड्यूल मिनिमम रिकमेंडेड फॉर टॉप लैंड रिकमेंडेड टॉप लैंड फॉर हार्ड एंड जो मॉड्यूल के फॉर्म में देखोगे वो वन मॉड्यूल होता है टॉप लैंड जो होगा ना आपका रिकमेंडेड जो टॉप लैंड होगा उसको हम मॉड्यूल के फॉर्म में देखेंगे एडेंडम के बराबर रखते हैं वन मॉड्यूल होता है वो हमारा क्या होगा एडेंडम के बराबर रखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा वन मॉड्यूल कहेंगे ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिनिमम रिकमेंडेड टॉप लैंड टॉप लैंड क्या होता है आपको दिखाओ बता देते ये वाला इस अभी तो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं कितने बचे हैं देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अरे वाह इलेवन क्वेश्चंस और बचे देखो प्रेशर एंगल मोर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री आर नॉट यूज्ड इन इनवॉल्यूड प्रोफाइल बिकॉज प्रेशर एंगल मोर देन 25 डिग्री मोर देन 25 डिग्री नहीं यूज करते हैं प्रेशर एंगल ये तुम लोगों को बताया था ना अभी कि मैक्सिमम प्रेशर एंगल कितना रखते हैं एक जगह भी मैंने लिखा था प्रेशर एंगल के बारे में तो मैंने लिखा था मैक्सिमम प्रेशर एंगल पच्चीस रखते हैं उससे ज्यादा नहीं रखते हैं क्यों नहीं रखते हैं मोर देन ट्वेंटी नॉट यूज इन इनवॉल्यूट प्रोफाइल बिकॉज वट इज द बिकॉज रीजन इज वट द गियर आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर ना 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 एंगल बढ़ा दें क्या दिक्कत है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर अंडर कटिंग इंक्रीज नहीं भाई अंडर कटिंग के कारण तो ऐसा नहीं होना चाहिए तीसरा है बियरिंग रेडियल लोड फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन गियर विल वेरी हाई तीसरा सही देखो रेडियल लोड बढ़ जाएगा जो हमारा रेडियल लोड होता है जो हमारा एंगल होगा प्रेशर एंगल जैसे 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 बढ़ाओगे रेडियल लोड जो हमारा अटैक करता है जो इम्पैक्ट लोड लगता है वो बढ़ता जाएगा फिर उसका कंपोनेंट हमारा क्या होगा उसका बढ़ता जाएगा रेडियल लोड का क्योंकि साइन का कंपोनेंट होता है साइन जीरो डिग्री पे जीरो होता है साइन नब्बे डिग्री पे मैक्सिमम होता है ठीक है ना एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था मैं बता देता हूँ दिखा देता हूँ याद होगा मैं इस क्वेश्चन में वापस रुका भी था आपको बताया भी था कि नॉर्मल जो है इसके साथ क्या बनाता है साइन का कंपोनेंट ये रेडियल इसके साथ क्या बनाता है पीएन साइन का कंपोनेंट बनाता है एक्सीएल के साथ कॉस का रेडियल के साथ साइन का तो साइन जीरो डिग्री से जैसे जैसे जैसे, जैसे बढ़ता जाता है ना एंगल जैसे जैसे जा बढ़ाते जाओ सिस्टम बढ़ता जाएगा जब ये बढ़ाओगे ना जीरो डिग्री से धीरे धीरे चौदह डिग्री साढ़े साढ़े साड़, साड़, चौदह डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री जो आगे बढ़ाओगे सिस्टम में और चीजें बढ़ती जाती है फोर्स और बढ़ता जाता है समझ रहे हो अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा हमारा बेयरिंग बेयरिंग रेडियल लोड बेयरिंग रेडियल लोड फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन रेडियल लोड फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बिटवीन गियर विल बी भाई नॉर्मल लोड फ्रॉम रिएक्शन विल बी हाई Addendum is defined as. आगे क्वेश्चन दस क्वेश्चन खुद करोगे यस और नो. Addendum is defined as. आगे के दस क्वेश्चन कर लोगे ये हमारा क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन बता ही देता हूं लो, रेडियल हाइट ऑफ द टूथ एव पर्किल आगे के नौ क्वेश्चन खुद कर लोगे यस और नो बस ये बता दो कोई डाउट है टेलीग्राम चैनल भेज देना इसके ऊपर ये होता मेरा एडेंडम रोहित कुमार क्या हो गया बेटा क्या दिक्कत है रोहित कुमार क्या दिक्कत है बताओ बताओ बेटा क्या दिक्कत है ठीक है आगे के नौ क्वेश्चन खुद से कर लेंगे ना, नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन खुद से कर लेंगे यस और नो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर्कुलर पिच पूछा है पाई इंटू एम फोर पाई आठ क्वेश्चन और ए सर्किल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ टूथ ऑफ गियर इज नोन एज एडेंडम सर्किल जो टॉप सर्किल होती है गियर की उस सर्किल क्या होती है एडेंडम सर्किल बताओ सात क्वेश्चन और है कर लोगे सेवन क्वेश्चन और बचे तीन तो मैंने और कर ही दिए छोटे छोटे क्वेश्चन है यार उड़ा दोगे हेलिक्स एंगल ऑफ सिंगल हेलिकर गियर तुम लोगों को बताया ना पांच से कैसे रखना है सॉरी पंद्रह से पैंतालीस के बीच में आंसर करना है सिंगल हेलिकल डबल हेलिकर का सब कुछ ठीक है ये वाला तो पढ़ाया ही था साढ़े चौदह डिग्री क्या लिखा है भाई मिनिमम नंबर ऑफ पीस ऑन द पिन अवॉइड इंटरफेरेंस साढ़े चौदह डिग्री फुल डेप्थ देखो फुल डेप्थ तो बारह नहीं नहीं बारह नहीं बारह बत्तीस बत्तीस होगा आंसर इस ठीक है ना तो डियर इसका पीडीएफ जो है ना इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे आ जाएगा टेंशन मत लो हॉर्स के लिए रेडी रहो ग्यारह बारह तारीख से आपको ये भी देखने को मिल जाएगा ठीक ना अब तो बेटा समय थोड़ा हो गया तो अपन क्या करेंगे वही आठ पैंतालीस से अपन रखेंगे स्पेशल क्लास एट फोर्टी फाइव से ठीक ना एट फोर्टी फाइव से आज का स्पेशल क्लास रखेंगे एट फोर्टी फाइव पी एम ठीक ना तीन घंटे का गैप लेंगे थ्री आवर का गैप लेंगे एट फोर्टी फाइव से रखेंगे ठीक ना चार तारीख से बैचेस आए हुए हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं डियर यू कैन सी दिस गेट एंड ए में हमारे साथ जुड़ सकते हैं आखिरी बैच आप मान के चलो गेट 2022 के लिए आखिरी बैच मान के चलो अगर ज्वाइन करते हो तो इसी में जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू कर दो ठीक है ना याद रखना ऑफर्स चल रहा है अगस्त में अभी बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने पर आलोक लाइफ कोड लगाने टेन डिस्काउंट तो है ही बारह महीने का लोगे तो चौदह महीने हो जाएंगे दो महीने एक्स्ट्रा चौबीस पे चार महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अट्ठाईस महीने का सब्सक्रिप्शन सेम टू सेम यहां भी हमारा ऑफर्स ठीक ना तो यू कैन सी दिस चौदह महीने का सब्सक्रिप्शन यहां अट्ठाईस महीने का सब्सक्रिप्शन ठीक ना आप ई बेसिस पर भी ले सकते हो डियर यू कैन सी दिस यूज द कोड दैट इज आलोक लाइफ यूज द कोड दैट इज आलोक लाइफ ओके व्हाट इज द कोड कोड इज आलोक लाइफ ठीक है ना दिस इज माय टाइनी यूआरएल इस ये सारे लिंक मिल जाएंगे एंड या दिस इज द टेलीग्राम चैनल सारे पीडीएफ यहां मिलते हैं डियर पीडीएफ पीडीएफ नोट्स यहाँ मिलेगा सुन लो कान खोल के सारे पीडीएफ नोट्स यहाँ मिलेंगे इसके फाइल सेक्शन में जाना देख लेना ओके थ्योरीज ऑफ फेलियर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है यहाँ ध्यान से ठीक है सो सुगाई अगर सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार ठीक है ना आप लोग करते तो हो नहीं जल्दी जल्दी लेकिन करो यार क्या कर रहे हो ठीक है ना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ठीक है ना सो मिलते हैं फिर रात में 8:45 फोर्टी फाइव पी एम लास्ट तीन घंटे बाद ओके सो टेल देन एंजॉय बाय तब तो तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत